आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। आमतौर पर मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान को लेकर वीडियोस ना बनाया जाए, लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की बात उठकर आ ही जाती है। अभी ये जो लेटेस्ट चीज निकल कर आई है, ये पाकिस्तान के एक फॉर्मर डिप्लोमेट जफर हिलाली के सौजन्य से आई है। हिलाली साहब एक न्यूज चैनल पर बैठे हुए थे और बात करते समय वो इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने कबूल कर लिया कि बालाकोट की स्ट्राइक के दौरान भारत ने पाकिस्तान के लगभग 300 आतंकवादी न्यूट्रलाइज किए थे। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का कारण वो एडमिशन नहीं है, बल्कि इसी एडमिशन के दौरान उन्होंने जो दूसरी बात कही है वो है। आइए पहले सुनते हैं इस वीडियो को और फिर बात करेंगे मेन टॉपिक की। इंडिया ने जो किया इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मार, भाई हमारा टारगेट तो कुछ और था, हमारा उनका हाई कमांड था, हमारा टारगेट तो कुछ और था, हमारा उनका हाई कमांड था। जी हाँ, उनका टारगेट भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर था और भारतीय वायुसेना ने इस चीज को एंश्योर किया कि वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर के आसपास भी नहीं फटक पाए। इस चीज को समझने के लिए उस दिन की फॉर्मेशन को समझते हैं और फिर बात करेंगे कि क्यों भारतीय Su-30 MKIs ने पाकिस्तानी F-16 के ऊपर अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स नहीं चलाई। इस चीज को कवर करते हुए हम लोग एक वीडियो पहले बना चुके हैं और उस वीडियो के दौरान कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्यों भारतीय वायुसेना या इंडियन आर्मी की तरफ से सरफेस टू एयर मिसाइल्स का प्रयोग नहीं किया गया था। आइए शुरुआत करते हैं उस दिन के फॉर्मेशन से। पाकिस्तानी पैकेज में नॉर्थ की तरफ 4 JF-17 थंडर मुजफ्फराबाद की तरफ से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। इन फाइटर जेट्स के साथ में 4 Mirage-3 और Mirage-5 भी थे। पुंछ की तरफ 4 F-16 का एक स्ट्राइक पैकेज था, उसके साथ में 4 JF-17 थंडर इस स्ट्राइक पैकेज को बैकअप दे रहे थे। साथ ही इस फॉर्मेशन के साथ में पीछे की तरफ 4 Mirage-5 भी थे, जिनको स्क्रीन पर डिपिक्ट नहीं किया गया है। इस फॉर्मेशन के साउथ में 4 F-16s भी थे और जिनके साउथ में 4 Mirage-3 और 5 का भी फॉर्मेशन था। पाकिस्तान की तरफ से टोटल पैकेज 24 फाइटर जेट्स का था, जिसको एक साब अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम पीछे से वेक्टर कर रहा था। वहीं अगर इंडियन फॉर्मेशन की बात की जाए तो इंडियन फॉर्मेशन वाइटल टारगेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आम तौर पर एरियल अटैक हाई वैल्यू टारगेट्स के ऊपर किए जाते हैं, जैसा कि जफर हिलाली साहब ने अपने उस वीडियो के दौरान कॉन्फेस किया था। इंडियन फॉर्मेशन में 2 Mirage-2000 नॉर्थ की तरफ श्रीनगर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वहीं साउथ की ओर 2 Su-30 MKI राजौरी के पास स्थित भारतीय थल सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का प्राइम टारगेट था, क्योंकि इस इलाके में ये सबसे ज्यादा हाई वैल्यू टारगेट है। वहीं मिराज और सुखोई के बीच में 2 MiG-21 कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे, जिनका काम था ये इंश्योर करना कि इस इलाके में पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से कोई इनकर्शन ना हो। और 2 MiG-21, जिसमें से 1 MiG-21 विंग कमांडर अभिनंदन का था, वो एयरबेस पर स्टैंड बाई मोड पे थे, जिनको काफी कम समय में स्क्रैम्बल किया जा सकता था। साउथ की तरफ जो 2 Su-30 MKI एवेंजर फॉर्मेशन में थे, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनकी तरफ 8 F-16, 4 JF-17 थंडर और 8 Mirage-3 और 5 का फॉर्मेशन एम्बुश और स्ट्राइक रोल में उनकी तरफ बढ़ने लगा। और काफी दूर से इन F-16s ने पहले Su-30 MKI के ऊपर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स मारना शुरू कर दिया, और क्योंकि ये एमराम काफी दूर से आ रही थी, इस वजह से Su-30 MKIs काफी आसानी से इनको डॉच कर पाए। इस Su-30 MKI के ऊपर ये एमराम अटैक उसको प्रोवोक करने के लिए किया गया था, ताकि ये फाइटर जेट भी इनके ऊपर BVR चलाए, और जब इस फाइटर जेट की BVRs खत्म हो जाएं, तो पीछे जो बैकअप वाले जेट्स हैं वो इन फाइटर जेट के पास में क्लोज इन करें, क्योंकि ये 2 Su-30 MKI तब बिना बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के होंगे, और 2 Su-30 MKIs के खिलाफ 16 फाइटर जेट्स इन फाइटर जेट्स को आसानी से आउट नंबर कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर खेल खराब हो गया जब वो Su-30 के पायलट ने अपना काम और कंपोजर मेंटेन रखा, और इतने ज्यादा प्रोवोकेशन के बावजूद अपने मिशन को दिमाग में रखा। उनको पता था कि उनके पीछे एक पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जो उनको बचाना है, और बेस की तरफ से री एनफोर्समेंट तो आ ही रही है, और इस री एनफोर्समेंट में विंग कमांडर अभिनंदन और उनके विंगमैन आए थे। साथ ही इनके पीछे
MiG-29 UPG भी उधमपुर की तरफ से आ रहे थे और जब भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन्स ने इस स्ट्राइक फॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो इन फाइटर जेट्स ने अपने पेलोड को वहीं पर डिप्लॉय कर दिया और ये फाइटर जेट तुरंत पीछे की ओर बढ़ चले। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 जब शूट डाउन हुआ तो वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर गिरा था, यानी कि जिस समय ये एंगेजमेंट हुई थी उस समय पाकिस्तान के फाइटर जेट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फाइटर जेट बहुत ही ब्रीफ इंकर्शन कर ही पाए थे, तब तक उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया और इसी वजह से इन फाइटर जेट्स ने वहीं पर अपने पेलोड को डिप्लॉय करके जल्दी जल्दी वापस जाने की कोशिश शुरू कर दी थी। पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि वो लोग खेत में बॉम्ब डालने आए थे, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो खेत में प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब डालने आए थे। अगर टारगेट खेत था तो वहां पर डम बॉम्ब्स भी डाले जा सकते थे और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना रिच है कि वो खेत पर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन डालें। रियलिटी में उनका टारगेट ब्रिगेड हेडक्वार्टर था जो वो कभी अचीव नहीं कर पाए और फेस सेविंग के लिए ये मैसेज वाली स्टोरी बनाई गई। अब बात करते हैं सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को लेकर। भारत की तरफ से बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत की तरफ से सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। उसका कारण है इस इलाके का टेरेन। रेडार्स लाइन ऑफ साइट प्रिंसिपल पर काम करते हैं और जिस तरीके का टेरेन इस इलाके में है यहाँ पर रेडार्स पूरी तरीके से इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं इनके बीच में रेडार की लाइन ऑफ साइट ब्लॉक होती है और सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन इलाकों में इनइफेक्टिव हो जाते हैं। यही कारण है कि इस तरीके के इलाकों में जो एयर डिफेंस होता है वो फाइटर जेट्स की मदद से किया जाता है और एक चीज अज्यूम कर ली जाती है कि दुश्मन आपके खेतों पर बॉम्ब डाल सकता है जिसके रेस्पॉन्स में आप उनकी टेरिटरी के काफी अंदर जाकर कुछ कौओं को मार सकते हैं। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।